डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे ऑनलाइन असाइनमेंट्स के बारे में और ये भी जानेंगे कि असाइनमेंट सबमिशन का जो लास्ट डेट है वो किस डेट को ख़त्म हो रहा है। तो असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डेट तो वीडियो के एंड में हम बताएंगे, पर सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑनलाइन असाइनमेंट आपको कंप्लीट कैसे करना है। ऑनलाइन असाइनमेंट आपको ईमेल पे आएगा, ईमेल पे आपको लिंक दिया रहेगा, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये बीए का असाइनमेंट है जिसमें टोटल 13 पेपर आपको दिख रहे होंगे। उसी तरीके से अलग अलग कोर्स के अलग अलग पेपर आएंगे। लिंक के थ्रू आपको उस लिंक पर क्लिक करना है, लिंक पर क्लिक करके उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है और सबमिट करना है, बस इतना ही है। एक दो मैं करके भी दिखाऊंगा कि कैसे करना है। तो ये आपको मैं बात करता हूँ सिर्फ पहले बीए का। तो बीए में अरबिक काम देख लेते हैं कि अरबिक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अरबिक कोर्स का असाइनमेंट ओपन हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि ऊपर लिखा रहेगा अरबिक असाइनमेंट बीए जुलाई 2023 बैच फर्स्ट सेमेस्टर। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी आप अपना डाल देंगे, यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, उसके बाद आप यहाँ अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे 23, जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर होगा आप इनरोलमेंट नंबर डालेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि इनरोलमेंट नंबर आपको हमेशा करेक्ट डालना है, अगर आप इनरोलमेंट नंबर गलत डालेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद आपको यहाँ से रीजनल सेंटर अपना चूज करना है कि आपका रीजनल सेंटर कहाँ है। दिल्ली, पटना, दरभंगा, बैंगलोर, यहाँ पे 14 रीजनल सेंटर दिए हुए हैं, तो आपको इनमें से कोई एक रीजनल सेंटर सेलेक्ट करना है। जो भी आपका रीजनल सेंटर हो वो सेलेक्ट कर लीजिए, हम मान लीजिए मुंबई सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए, ठीक है, यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल दिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये आपका क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और उसके चार ऑप्शन दिए रहेंगे, अगर आपको लगता है कि इन चारों में से जो भी आपका सही ऑप्शन है उस पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, फिर दूसरा क्वेश्चन कीजिए, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, उसमें से चार ऑप्शन है, इनमें से जो सही है उस पे क्लिक कीजिए, फिर आगे बढ़िए। फिर उसी तरीके से सारा क्वेश्चन करने के बाद एंड में सबमिट का बटन है, ये ध्यान रखिए कि सारा क्वेश्चन एक बार में कंप्लीट कर लीजिए। टाइम का कोई लिमिट नहीं है, आप एक घंटे, दो घंटे या फिर कितने टाइम में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि एक बार जब सबमिट हो जाएगा तो फिर दोबारा आपको सबमिट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए अच्छे से ध्यान से सारे क्वेश्चन के सही आंसर ढूंढ के आप इसको कंप्लीट कीजिए, सारे क्वेश्चन के आंसर लगाने के बाद ही सबमिट कीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया बीए का। बीए के अलावा आपको एमए इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, हिस्ट्री, अरबिक सारे कोर्स के ऐसे ही लिंक मिलेंगे आपको, उन लिंक पे आपको क्लिक करके अपना गूगल फॉर्म मींस असाइनमेंट नंबर 1 कंप्लीट करना है। अब बीए में कुछ कॉम्प्लिकेशन है कि आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट का ही असाइनमेंट देना है, तो आपको वो 4 सब्जेक्ट कौन है, तो जो बुक आपके पास आई है 4 सब्जेक्ट की, वही बुक के आपको असाइनमेंट गूगल फॉर्म में कंप्लीट करने हैं। एक जो सब्जेक्ट है वो हर स्टूडेंट को देना है जो कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का है। इस गूगल फॉर्म को आपको सभी बीए के स्टूडेंट को कंप्लीट करना है। इसके अलावा एमआईएल हिंदी और एमआईएल उर्दू में से कोई एक करना है, जिसने एमआईएल उर्दू लिया है वो उसका करेंगे, जिन्होंने हिंदी लिया है वो हिंदी का करेंगे, इनमें से कोई एक करना है। और उसके अलावा अब बाकी जो भी सब्जेक्ट बचते हैं उनमें से आपको 2 सब्जेक्ट का असाइनमेंट करना है। जो आपके 2 सब्जेक्ट होंगे उनका असाइनमेंट आप कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने बुक्स को देखिएगा, बुक्स में जो बुक्स आपके पास आया हुआ है वही आपका गूगल असाइनमेंट उसी का आपको करना है। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा गूगल असाइनमेंट आप नहीं कंप्लीट कीजिएगा। तो ये हो गया ऑनलाइन गूगल फॉर्म का, इसी तरीके से बीए का हो गया। बाकी कोर्सेज के भी इसी तरीके से आपको ईमेल पे आएंगे, लिंक रहेंगे। बीए में थोड़ा वो है, 13 सब्जेक्ट है टोटल, उनमें से 4 करना है। बाकी एमए उर्दू, इंग्लिश, हिंदी ये सब के 4-4 ही आएंगे, उन 4 को आपको कंप्लीट करना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, 4 आएंगे तो 4 को ही करना है कंप्लीट। उसके बाद हम देखते हैं कि नोटिस भी आ गया है लास्ट डेट का, तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे मानू डीडी नोटिफिकेशन, तो सबसे ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ शो करेगा कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर असाइनमेंट ऑफ UGPG डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट। इसको आप ओपन कीजिए और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आप लिखा हुआ है कि जो असाइनमेंट का लास्ट डेट है वो 15 मार्च 2024 तक है। असाइनमेंट कैसे करना है आपको, इसमें इसको आप अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद जो असाइनमेंट ऑफलाइन वाला है उसको आपको लिख के अपने LSC पे सबमिट करना है। और ऑनलाइन असाइनमेंट का मैंने आपको अभी बता दिया कि आपको कैसे कंप्लीट करना है। तो आई होप कि सब अपना असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे।
असाइनमेंट भेजना स्टार्ट कर दिया गया है, तो आज और या फिर कल में आपको सारे असाइनमेंट आपको ईमेल पे मिल जाएंगे। कुछ बच्चों के आज भी मिल जाएंगे, कुछ बच्चों के हो सकता है कल मिले, लेकिन यहाँ से असाइनमेंट सेंड करना स्टार्ट कर दिया गया है आपको ऑनलाइन। तो आई होप कि सब अपना असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू।